नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। आप देखने शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी आपको बताते चले, जैसा कि लोकसभा चुनाव की तमाम प्रक्रिया कहा जाए समाप्त हो चुका है, अब सिर्फ सरकार शपथ ग्रहण बाकी है। एनडीए सरकार की सरकार बनने वाली है। इंडिया विपक्ष पूरी मजबूती के साथ भी खड़ी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा चेहरा जो उभर के सामने आया है वो दो चेहरा है। बिहार से देखिए तो श्री नीतीश कुमार ने अपनी छवि को और पहले से ज्यादा मजबूत किया है, और कहीं ना कहीं बिहार से लेके और दिल्ली केंद्र सरकार में नीतीश कुमार ने अपनी छवि को बहुत मजबूत किया। उसी क्रम में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, पटना के सड़कों पर एक बहुत बड़ा बैनर यानी बोला जाए होर्डिंग पोस्टर लगा है, जिसमें लिखा हुआ है टाइगर अभी जिंदा है। वो टाइगर किसे कहा जा रहा है? नीतीश कुमार। दो टाइगर है, बीच में नीतीश कुमार की तस्वीरें हैं। ये बड़ा ही चर्चा का विषय कहीं ना कहीं बन गया बिहार में, इसलिए कि टाइगर अभी जिंदा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार को लोग हल्के में ले रहे थे कि इनकी विधानसभा सीटें कम हो चुकी है, लोकसभा में कमजोर हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से पूरा सरकार नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रहा है, चंद्रबाबू नायडू के इर्द गिर्द भी घूम रहा है। दो ही चेहरा अभी सरकार में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा चर्चा अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की चर्चा हो रही है तमाम मीडिया में, तमाम चैनल में। अभी इन्हीं दिनों का चर्चा हो रहा है कि किस तरह का से मंत्रिमंडल इन लोगों को मिलेगा, क्या डिमांड है, बहुत तरह की से बातें निकल के सामने आ रही है। उसी कदम में आज जो जितने भी है उनकी बैठक हुई, सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। हो सकता है 9 तारीख को शपथ ग्रहण का जैसा सूत्र से खबर है, अभी पूरी खबर हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, इससे जैसा लग रहा बैठक के बाद 9 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी छाप जिस तरीके से छोड़ी है वो बिहार में भी देखने शुरू हो चुका है। टाइगर जिंदा है, और कहने के सम्राट चौधरी जो बोलते थे कि नीतीश कुमार को अब हटा देंगे बिहार से तभी पगड़ी उतारेंगे, लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव भी नीतीश के चेहरे पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। यह बड़ी बात आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, तमाम लोगों की बातें कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। नीतीश कुमार ने जो छवि बनाई है, जो छवि छोड़ी है, जो पलटू राम के नाम से लोग उनको बोलते थे, अब दुआ मांग रहे हैं कि एक बार और पलट जाए कि इंडिया सरकार बन जाए। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं, और पटना बिहार और दिल्ली तमाम तरह से छाए हुए हैं। कहा गया था कि दिल्ली में जो इंडिया जो बना था वो नीतीश कुमार का ही गठन किया हुआ था, लेकिन आज नीतीश कुमार ने अपनी जो एक साख होती है वो दिखा दिया कि हम भी हैं। उसी के क्रम में पटना में एक बैनर लगा हुआ टाइगर अभी जिंदा है, वो सही बात है, टाइगर अभी जिंदा है। इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।